जंतर मंतर पर से अगस्त में जो भी यहाँ पर धरना चल रहे हैं ये मौजूदा मणिपुर के हालात पर आधारित है। हम मैथिल समुदाय यह चाहते हैं कि मणिपुर में जो भी दुखी समुदाय के लोग जो अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं उसको हम खंडित करते हैं और भगवान आएगा तब भी हम मणिपुर को एक साथ रखेंगे। मणिपुर पर कोई भी इस तरह के जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम रखने नहीं देंगे। जो भी प्रदर्शन करेंगे हम जो है हम भारत के अंदर में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम डेमोक्रेटिक रूप में हम जो भी इस मौजूदा हालात शांतिपूर्वक लाने के लिए हम डेमोक्रेटिक वे में जो भी कर सकते हैं जो हम करेंगे। सरकार से अभी तक जो है बातें या कोई इस तरह के शांतिपूर्वक समझौता के बात नहीं आए हैं पर फिलहाल ही में कल तक जो है बहुत सारे मात्रा में जो पैरामिलिट्री फोर्स जो है मणिपुर भेजे गए हैं और हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बोलना चाहते हैं बैठकर मसला सुलझाने में हम विश्वास रखते हैं न कि फोर्स भेजकर इस तरह से करेंगे तो और भड़क जाएंगे ये हम मानते हैं। मणिपुर में हिंसा चल रही है काफी 3 महीने से ज्यादा हो गया है अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रोकने के नाम नहीं लिया है तो हम लोग बहुत नुकसान हो गया दोनों साइड में नुकसान हुआ है काफी लोग मर गया है काफी लोगों का हजार हजार घर जला दिया है काफी लोगों की जो है रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहे अभी तक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई अभी तक रुक रही है तो ऐसे करके हर चीज में इकोनॉमी के लिए हमारा बहुत नुकसान हो गया है।